वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैपकट में कैसे आप कार्टून इफेक्ट फोटो रील वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, मींस अपने फोटोज के ऊपर कैसे कार्टून इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो वो भी एक क्लिक में एंड रील वीडियो को बना सकते हो। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा, उस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम एडिटिंग करने वाले कैपकट एप्लीकेशन में एंड आपको पता हो यार कैपकट का कोई भी इफेक्ट को यूज़ करने के लिए हमें किसी वीपीएन से कनेक्ट होना पड़ता है, अदरवाइज यार वो इंटरनेट एरर वाला आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर से कोई एक वीपीएन को डाउनलोड कर लेंगे और अगर आपके डिवाइस में पहले से डाउनलोडेड है तो वीपीएन को ओपन करना एंड उसके बाद जस्ट कनेक्ट कर लेना। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए कोई से भी कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो, जस्ट सेलेक्ट करना, कनेक्ट हो जाएगा। नाउ उसके बाद आपको अपने कैपकट को ओपन करना है। ठीक है, अब कैपकट में एडिटिंग करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो सिंपली सा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो एंड फोटो देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको फोटो के साथ एडिटिंग करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोटोज के ऊपर क्लिक करके जो भी फोटो को एडिट करना है उस वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके, तो फोटो यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी। अब आप देख सकते हो बिल्कुल ही नॉर्मल गर्ल या फिर वुमेन आप बोल सकते हो। ओके, अब इसमें हमें एआई कार्टून इफेक्ट ऐड करना है, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। आपको अपनी फोटो के ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टाइल के ऊपर सिंपली सा क्लिक कर देना। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनमें से जो है ना वो चार इफेक्ट हमारे काम का है, क्योंकि यही चार इफेक्ट से कार्टून इफेक्ट अपने फोटो के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे भाई किसी किसी का ऐसा होता है ना कि ये जो स्टाइल ऑप्शन मैंने आपको दिखाया ये आता ही नहीं है कैपकट में, तो उसका रीजन ये है कि आप बहुत पुराना वाला कैपकट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए लेटेस्ट वाले को यूज करो, हो जाएगा। ओके, अब इनमें से आपको जो इफेक्ट पसंद आएगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये चार इफेक्ट जो है इनके यूज करके हम कार्टून इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना। क्लिक करोगे प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे उस टाइप का एनिम या फिर कार्टून इफेक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। फिर से दूसरे के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से दूसरा वाला ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो और कितना अच्छा तरीके से मींस हमारे फोटो के ऊपर अप्लाई हुआ है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ना उसके बाद अगर आप कैट वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फेस या फिर कहीं ना कैट का आपका मींस इसमें मूवमेंट आ जाएगा या फिर ये बोल लो वाइब क्रिएट कर देगा। तो देख सकते हो और सिंह निकाल दिया कैट के जैसा। ठीक है, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर यार आपको एक मसल्स मैन मीन्स बॉडी बिल्डर टाइप का अगर कार्टून वाला फोटो बनाना है तो जस्ट मसल्स मैन के ऊपर क्लिक कर देना। लड़का का फोटो हो या फिर लड़के का फोटो ये यार बॉडी बिल्डर बना के दे देगा। ठीक है, बट गर्ल्स के लिए जस्ट हम क्या करेंगे जेपी एंड यहाँ पे कैट को यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो होता है ना काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है, आप देख सकते हो। ठीक है, जेपी को हमने सेलेक्ट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड उसी के साथ कैट को हमने सेलेक्ट किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं यार कि सिर्फ एक लड़कियों के लिए ही अप्लीकेबल है। ठीक है, आप लड़कों के फोटो के ऊपर भी ये काम कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इसमें जस्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक कोई मेन का फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वाले को सिलेक्ट करते एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ऐड के ऊपर हमने क्लिक किया, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा। अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हमें चारों इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जेपी के ऊपर टैप कर देना, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हुआ, देन उसके बाद देख सकते हो गया भाई कार्टून में कन्वर्ट। ठीक है, एंड उसके बाद मसल्स मैन को आपको सेलेक्ट करना, फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जो लड़कियों के लिए होता है ना वो आपका जेपी एंड कैट अच्छा रहता है और लड़कों के लिए जेपी एंड मसल्स अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो कैट वाले में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप मसल्स को सेलेक्ट कर लेना। देन अगर आप ड्रीमी में करोगे ना तो ये लड़का हो या लड़की हो सबको लड़की ही बना देगा, देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप गर्ल्स का फोटो एडिट कर रहे हो तो आपको जेपी या फिर कैट को यूज़ करना, और अगर आप बॉय का फोटो यूज़ कर रहे हो या फिर एडिट कर रहे हो तो जेपी एंड यहाँ पे मसल्स मैन को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो बॉय वाला इमेज हो या फिर गर्ल वाला इमेज हो जिसमें भी आपने मींस कार्टून इफेक्ट अप्लाई किया है उसमें आप रहना। ठीक है, देन उसके बाद रील वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है ना, सिमिलर एक आप फिर से फोटो ऐड कर दो। ठीक है, तो प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके जस्ट यहाँ पे कोई और फोटो हम ऐड कर देंगे, मीन्स डिफरेंट फोटो हमें ऐड करना होगा। सो डिफरेंट फोटो हम सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देंगे। देन उसके बाद फिर से अपनी वीडियो के ऊपर टैप करके स्टाइल के ऊपर क्लिक करना और फिर से कोई इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है,
है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते, जेपी को एंड डन करते। तो इस तरीके से दो चार इफेक्ट आप यहाँ पे ऐड कर लेना, मीन्स फोटो ऐड करना, देन उसमें इफेक्ट ऐड कर देना, ठीक है। एंड उनके बीच में कोई एनिमेशन आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा, तो जो अच्छा लगेगा उसे यहाँ पे सिंपली सा सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये बबल ब्लर जो कि एक नया ट्रांजिशन है एंड काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसे अप्लाई करते और ये जो फोटो है ना वो पूरा स्क्रीन में नहीं है तो पूरा स्क्रीन में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना फोटो चाहो उतना ऐड कर लेना, देन उसके बाद उनके बीच में कोई ट्रांजिशन ऐड कर देना या फिर इसमें एक कमाल का ट्रांजिशन है मैं आपको दिखाता हूँ, देन एंड नाउ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या फोटोज फेस के पास से ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई होगा जिससे कि बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो। ओके, तो काफी अच्छा ट्रांजिशन इफेक्ट है, जो अच्छा लगे उसे ऐड कर देना। देन उसके बाद ऑडियो के ऊपर क्लिक करके साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर टैप करेंगे, देन फ्रॉम डिवाइस, और उसके बाद कोई एक म्यूजिक ऐड कर देंगे जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर जो म्यूजिक अभी ट्रेंडिंग होगा उस वाले म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना एंड ऐड कर देना। म्यूजिक ऐड करने के बाद आपको पता होगा एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी आ जाता है, तो इसके ऊपर टैप करेंगे, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करके एक्स्ट्रा वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम यहाँ पे रील वीडियो बना सकते हैं कार्टून इफेक्ट की हेल्प से। ओके, नाउ जब आपका क्रिएट हो जाए तो एक्सपोर्टर बटन के ऊपर टैप करना एंड एक्सपोर्ट कर लेना। सो आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आया होगा एंड ट्यूटोरियल भी पसंद लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो।